हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू मसाला पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मसाला पूरी बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आलू मसाला पूरी। मसाला आलू पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें हम 250 ग्राम गेहूं का आटा डाल देंगे, 4 टेबलस्पून सूजी डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बॉयल आलू को कद्दूकस करके ले लिया है। 1 टीस्पून जीरा इसमें डाल देंगे। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हरी धनिया डाल देंगे, हरी धनिया को भी मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। 1 टीस्पून तिल डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आटे में अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो गई है। अब इसका हम एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पर डो बनाने के लिए मैंने नॉर्मल पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो बना लेंगे। आटा हमारा गूंद के रेडी है। अब इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के हम आटे को अच्छे से और नीट कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से नीट हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए प्रेस करने के लिए रख देंगे। डो को रेस्ट दिए हुए हमें 10 मिनट हो गया है। अब इसको हम एक बार अच्छे से नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अब पूरियों को बेलने के लिए मैंने एक पाटा ले लिया है। इसमें हमने जो लोइयां छोटी छोटी तोड़ी थी, इसे हम रोल करेंगे अच्छे से और गोल गोल पूरियां बेलना चालू करेंगे। तो इस तरीके से हम गोल गोल पूरियां बेल लेंगे। पूरियों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम पूरियों को फ्राई करेंगे। सबसे पहले एक पूरी को डालेंगे। और हल्का हल्का दबाते हुए हम अपनी पूरियों को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं पूरियां अच्छे से फूल गई है। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। ये हमारी मसाला आलू पूरी बनके रेडी है। इस पूरी को आप ब्रेकफास्ट में, टी टाइम स्नैक्स के रूप में, बच्चों के टिफिन में, बड़ों के टिफिन में भी दे सकते हैं। इसे आप चटनी के साथ, सब्जी के साथ या इसे खाली भी आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।